अजय बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल ने नांदघाट थाने पर जाकर धरना दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले 3 दिनों से बेमेतरा जिले के दौरे पर है। वो अलग अलग विधानसभा में दौरा कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते पुलिस के द्वारा देर रात भाजपा के नेताओं को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल के बेटे अंजय बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जानकारी जैसे ही उन्हें मिली वो तत्काल नांदघाट थाना पहुंचे, लेकिन नांदघाट थाने पर उनके पुत्र के नहीं मिलने पर वो नाराज होकर कार्यकर्ताओं के साथ थाने के समक्ष धरने पर बैठ गए। कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं करता, जितना इनका दादागिरी हुआ है। 4 बजे सवेरे मेरे घर में 2 डग्गा पुलिस भेज करके मेरे घर को घेरवा के रखे थे और वो लोग कुछ भी नहीं बता रहे थे, घेर के रखे थे घर को। मैं सवेरे उठ के माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मुंगेली में सर्किट हाउस में मिलना गया, वहाँ पे मेरे को फोन आया, मैं साथ में बैठा था, कि मेरे लड़के अंजू बघेल को घर से घसीट के निकाल करके लोग उठा के ले आए।